Krishna. अरे हो गया। अरे देखो, हम लोग ने संकल्प लिया है ये 7 दिन तक नियमित पूर्वक ये भागवत कथा को हम श्रवण करेंगे। फिर जो हम भागवत कथा श्रवण करने आए हैं, ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। क्या है ये कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? अगर 7 दिन तक ठीक ठीक से नियम पूर्वक अगर कोई कथा सुने, ये पद्म पुराण कहता है जो निर्धन है उनका धन की प्राप्ति होगी, जो दुखी है उसे सुख की प्राप्ति होगी, जो संतानहीन है उनका संतान की प्राप्ति होगी, जो रोगी है इनको निरोगता की प्राप्ति होगी, और जिनकी भगवान के चरण में भक्ति और भगवान के चरण को जो प्रेम पाना चाहते हैं उनको ये भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति भी प्राप्ति होगी। लेकिन कब प्राप्ति होगी? जब नियम से सुनोगे। ऐसे नहीं आज आज पहला दिन था कलश लेकर के आने का इसलिए सबके सब आ गए और कल दिखाई नहीं पड़े, नहीं, इसको नियम से 7 दिन तक सुनना पड़ेगा। एकदम नियम से, नियम क्या है ध्यान से सुनो। पहला नियम, ये आवाज किसी तरह जा रही है कि नहीं? अरे पीछे जो माताएं बैठे हो भैया, कहाँ कहाँ पर बक्स लगाया? पीछे लगाया जो कि किधर बैठे, आवाज आ रही है पीछे माताएं, आवाज आ रही है? नहीं तो वो बक्स को थोड़ी सी उधर घुमा सकते हो, दिया हुआ और तब ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो कथा सुनने का नियम सुन लो, कैसे कथा सुनने से सब मिलेगा। पहला नियम है 7 दिन तक बिना खाए कथा सुनना पड़ेगा, एकदम उपवास करके 7 दिन तो कुछ भी नहीं खाना, ये पहला नियम। अगर बोलोगे भैया भूखे ना भजन होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला, अगर बोलोगे भैया भूखे से हम कथा नहीं सुन सकते। फिर दूसरा नियम बताया, जो नियम बताया सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक बिना खाए भी ये कथा सुने थे, पेशाब नहीं, पायखाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, 7 दिन तक। हम जैसे 2-3 घंटा बैठेंगे ऐसे कथा नहीं सुनी, दिन रात मिला करके 7 दिन तक कथा सुने, तभी उनके लिए वैकुंठ से रथ आया है। अगर हम भी ऐसे कथा सुनेंगे ना, हमारे लिए भी वृंदावन से रथ आएगा, हमारे लिए भी वृंदावन से रथ आएगा। ये पहला नियम, लेकिन इसको जो नहीं कर सकते हैं, दूसरा नियम बताया 7 दिन तो केवल घी पी पी कर कथा सुनो। अगर कोई बोलेगा भैया घी 1 किलो 2000 रुपया, फिर पेट पतला हो जाएगा, फिर कथा में नहीं बैठ सकते हैं। फिर तीसरा नियम बताया 7 दिन तक केवल फलाहार करते हुए कथा सुनो, केवल फलाहार, सभी लोग शांति से बैठे, पीछे सारे लोग शांत से शांत हो जाइए। गुरुदेव कथा सुना रहे और आप लोग बातें कर रहे हैं पीछे पीछे, शांति नहीं देंगे तो फिर भागवत जी का फल भी नहीं मिलेगा। आराम से बिल्कुल एकांत चित्त होकर, शांत चित्त होकर के सुनिए। जो कथा बोलेगा ना, सबका पाप उसके ऊपर सर पर बैठ जाएगा। हाँ, तीसरा नियम क्या बताए, फलाहार करके 7 दिन तक। अगर ऐसे असंभव है, सबसे बढ़िया है एक बार भोजन बढ़िया से करो और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। एक बार फलाहार और एक बार बढ़िया से भोजन करो, तभी ये तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन कहते अगर कोई बीमारी है उनके लिए संभव नहीं, बोले भैया जितना बार भोजन करो करो, कोई बात नहीं, जितना बार भोजन करो करो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कथा को ठीक से सुना, कैसे कथा कैसे सुननी चाहिए, हाँ ध्यान दे करके, कहते कथा सुननी चाहिए हनुमान जैसे। कैसे कथा सुननी चाहिए? हनुमान, हनुमान जैसे मतलब क्या है? कथा से सबसे पहले अगर करोड़ों जगह पर प्रभु राम की कथा हो, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हैं और कथा से पहले जाएंगे, सबसे पीछे बैठेंगे, हाथ जोड़ करके हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए कथा श्रवण करेंगे और ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। कथा बैठते समय कथा स्थान को कभी प्रणाम करो,
कथा श्रोताओं को प्रणाम करो, कथा वक्ताओं को सबको प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके गदगद होकर कथा सुननी चाहिए। और कथा जब विश्राम हो जाएगा, कथा जब विश्राम हो जाएगा फिर कथा से जानी चाहिए, बीच से कथा से नहीं उठनी चाहिए, उठने से फिर पाप लगता है। दूसरे नियम कथा सुनने का, 7 दिन तक तो कोई किसका चुगली मत करो, सास बहु की बहु सास की चुगली नहीं करनी चाहिए, याद रहे। आप जिसको चुगली करोगे ना उसका पाप आपको ऊपर आ जाएगा। 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करना, सीधा साधा भोजन करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। अगर प्याज लहसुन छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, ठीक है। अगर नियम पूर्वक कथा सुनोगे आप देख लेना 7 दिन में आप जो कुछ मांगोगे, ये भागवत कह रहा है, ये पद्म पुराण कहता है, जो कुछ मांगोगे। हम लोग तो यहाँ तक देखा जिनकी 25-25-30-30 साल का बच्चा ही नहीं हुआ जिनके, अगर भागवत कथा सुने तो भागवतों पर फल रख रहे खाए तो 25-30-35 साल तक बाद में भी घर में उनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। अगर जिन लोगों ने नियम से कथा सुनी, अगर आप लोग नियम से कथा सुनोगे आप देख लेना जो मांगोगे, लेकिन नियम से, ऐसे नहीं आज का दिन आगे कल कोई गायब हो गए, नहीं, कथा से पहले आओ, कथा को बाद में जाओ और नियम से कथा सुनो, ठीक है ना। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतमुखी, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले जय जय श्री राधे। जोर से एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सवेरे से भोजन करके आए तो कि नहीं आए? नहीं आए, सच सच बताओ कौन कौन नहीं आए? हाँ अरे ठीक है, आज हम जल्दी कथा को विश्राम कर देते हैं, ठीक है। आज हमारे जदुनंदन प्रभु कहाँ गए? जदुनंदन प्रभु जी ऊपर में सबके लिए प्रसाद है, कहाँ? इसको ऊपर में। हाँ ठीक है, आज कथा को जल्दी विश्राम कर देते हैं, ठीक। जब तक बन रहा है तब तक बन जाएगी, नहीं बताओ ना, मैं खुशी अनुरूप कथा करूंगा 1 घंटा, ठीक है। बताओ आज 1 घंटा तक आपको प्रसाद तैयार हो रहा है, ठीक है। हाँ तैयार हो जाएगा तो आपको छोड़ देंगे, 1 घंटा अंदर में आज कथा को हम विश्राम दे देंगे। और कल से जदुनंदन प्रभु कितने से कितने तक कथा होगी? हाँ प्रभु जी कह रहे 3 से, आप लोगों को पूछेंगे आप बताओ कितने तक आप कथा सुन सकते हो? आप लोग जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा। आप बताओ कितने बजे तक कथा सुन सकते हो? 2 बजे से। और 2 से कितने तक? 6। प्रभु जी जदुनंदन प्रभु ये कह रहे हैं 2 से लेकर 6 तक कथा हो सकती है, 2 से 6 तक। 5 5
चुप हो जा। अच्छा दोस्तों, मैं 2 बजे से कौन कह रहा हाथ खड़े करो? 2 बजे से कौन बोलते हैं? 3 बजे से कौन बोलते हो? तीन बजे से किसको चाहिए हाथ उठाओ? अरे हाथ उठाओ, 3 बजे से किसको? ठीक है, 2 वाले और 3 वाले दोनों को मिला देते हैं, मिला करके 2.5। ठीक है, 2.5 बजे से लेकर के 2.5, 3, 4, 5 5:30। ठीक है, 2.5 से 5:30, क्योंकि माताओं को अपना घर का काम करना पड़ता है ना, घर में जाकर रोटी पानी बनाओगे बच्चों के लिए। ठीक है, 2.5 ऐसे नहीं 2.5 तो बोल दिया, लेकिन मैं देखूंगा कौन कौन आते हैं। अगर 2.5 से नहीं आओगे ना घर तो 3 से करना पड़ेगा, अगर 2.5 से आ जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? 2.5 से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे आओगे हम वैसे कर दूंगा। ठीक है, हाँ आज आधा एक पहले घंटा कथा सुन लो, माताएं बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, बैठो। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी। हाँ कोई बात नहीं करना, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी कोई बात मत करना, जो बात करेगा बीच में खड़े कर दूंगा उसको। ठीक है, देखो आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम बहुनाम जन्म नामांते। कहते एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है तभी ये भागवत कथा रखने का और ये श्रवण करने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन लोगों ने ये भागवत कथा रखवाए उनके एक बार ताली जोरदार बजा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। इसका मतलब है आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, कहते ये जो सौभाग्य कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको सौभाग्य में भी भागवत कथा सुनने का नहीं मिलता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा श्रवण कराने जा रहे थे उसी समय में स्वर्ग से जो 33 करोड़ जो देवा देवियां जिनको हम घर में पूजा करते हैं वो खाली हाथ से नहीं स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? बोले इनको अभिशाप मिला है, सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा। बोले कोई चिंता नहीं, हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लाए, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, आप परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दो, परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे। लेकिन ये जो भागवत कथा ये हम लोगों को पिला दो, ये भागवत कथा हमें भी पिला दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते ये अमृत कलश का विनिमय में उनको भागवत कथा उन्होंने नहीं सुनाया, उनको वहां से भगा दिए। कहते को काच को मणिर महान, बोले स्वर्ग अमृत पान कर से क्या होता है?
पुण्य घटती है, लेकिन ये भागवत कथा अमृत पान करने से पुण्य बढ़ती है, पुण्य बढ़ती है। स्वर्ग अमृत पान करने से होता ही क्या है, बोले खिन्न पुण्य मर्त्यलोकं विचरन्ति, पुण्य समाप्त होते ही तुमको धक्का मार करके स्वर्ग से गिराते हैं। फिर ये मरते जगत में आकर के दुख कष्ट प्राप्त करोगे, लेकिन अगर ये कथा अमृत को कोई पान करे तो भगवान कहते जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। हे अर्जुन, अगर ये भागवत कथा अमृत को कोई पान करेगा तो कहते मेरे धाम को प्राप्त करेगा, जहाँ जाने से फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी पड़ना नहीं पड़ेगा, कभी ये संसार में तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने देवता को भगा दिया। इसका तात्पर्य है, जो लोग ये भागवत कथा श्रवण करते हैं, हम लोग स्वर्ग से देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा, देवताओं से भी ज्यादा हम लोगों ने पुण्यात्मा जो भागवत कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, यदि ये जो भागवत कथा, ये ब्रह्मलोक में भी ये कथा नहीं। अगर कभी ब्रह्मा ब्रह्मानी को अगर कथा सुनना हो, वो भी ब्रह्मलोक छोड़कर किसी मरते जगत में आते हैं। कहते ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, ये कथा कैलाश में भी नहीं। अगर कभी शंकर पार्वती को कथा सुनना हो तो वो शंकर पार्वती भी कैलाश छोड़कर किसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। पहले शंकर जी की बात छोड़ दो, है कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, कभी ये रस वैकुंठ लोक में भी नहीं। अगर कभी गरुड़ जी को कथा सुनना हो तो गरुड़ जी क्या करते हैं, ये गरुड़ जी ये वैकुंठ छोड़ करके भी ये मर्त्य जगत में कथा सुनने आते हैं। देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान, देखो अच्छे तरह से समझो, देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्गलोक को छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक को त्याग दिया, शंकर जी पार्वती को कथा सुनने के लिए शिवलोक को छोड़े, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ को छोड़ना पड़ा, लेकिन खोड़ा वासियों को कथा सुनने के लिए कुछ त्याग देना पड़ा। आप बताओ कुछ त्याग देना पड़ा क्या? नहीं, ये कथा अमृत स्वयं वृंदावन से बहते बहते हमारी घर को सामने आ गई, और घर को मैं बैठ बैठ करके हम लोगों की कथा अमृत गंगा में हम लोगों ने स्नान कर लिया, मतलब हम बड़े सौभाग्यवान। हाँ, दूसरी चीज समझो, अच्छा तरह समझो, लेकिन जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए, वो अकेले नहीं आए, देवता लोग आए ना अपने देवियों के साथ में आए। जब देखा ब्रह्मा जी कथा सुनने आए, वो अकेले नहीं आए, वो अपना पत्नी को साथ में आते हैं। जब शंकर जी कथा सुनने वो अकेले नहीं आए, पार्वती को लेकर के आए। इसलिए जब कथा सुनने के लिए आओ ना, कहते भैया कोई अकेले नहीं, अगर देवियां आती है ना, तुम्हारे देवता को भी लेकर के आओ। और अगर देवता आते हो, क्या करो अपना देवियों को भी लेकर के आओ। ये अरे सुन ले कि नहीं? हाँ बोले क्यों? देखो इसका रहस्य समझ लो, अच्छे तरह से समझो। जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, आप स्वयं देख लेना, भागवत में इतने ज्ञान है, हम आगे सुनेंगे। ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके थे वृंदावन में आकर के। जब नारद जी भ्रमण करते 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 सब जगह में गए, देखा कली सब जगह के ऊपर अपना प्रभुत्व विस्तार करके बैठा हुआ, घर घर में, मठ मंदिर में, तीर्थ स्थान में, सर्वत्र कली अपना प्रभुत्व को विस्तार करके बैठा हुआ था। लेकिन सोचा भैया चलो वृंदावन धाम चलते हैं, वृंदावन तो वाक्य बिहारी का स्थान है, हैं? एक बार चलो वृंदावन धाम में जाते हैं, भगवान की हृदय है राधा रानी, अपना हृदय को ही ये वृंदावन धाम रूप में उन्होंने प्रकट करके रखे, चलो हम से वृंदावन धाम को भ्रमण करके आते हैं। लेकिन जब वृंदावन धाम में आए ना, आ करके उन्होंने देखा, जब यमुना किनारे में आए, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? बड़ी सुंदर एक युवती बैठी हुई, उसको बगल में 2 वृद्धा लेटे हुए हैं, और कुछ सखियां, वो बीच में जो युवती बैठी हुई थी, कुछ सखियां उनको चामर व्यंजन कर रहे थे। अरे इधर उधर क्या देखते हो? ए मेरे तरफ में देखो, कथा में इधर उधर नहीं देखनी चाहिए, सर दुनिया में फिर इधर क्यों आए हो? सामने बैठे हुए ना, इसलिए उन्होंने देखा
उनको पंखा झुला रही है। इतने में नारद जी वहां पर गए, देखा कुछ लोग एकत्रित हुए, सोचा भैया वृंदावन धाम है, हो सकता है कुछ सत्संग होता होगा। लेकिन वहां पहुंच करके सत्संग नहीं, वहां तो रोना धोना है, वहां तो रोना धोना लगी हुई। इतने में नारद जी ने देखा हमें रोने धोने से क्या मतलब है। इतने नारद जी वहां से भगने लग गए। जब भगने लग गए इतने में वो बीच में जो युवती बैठी हुई थी, बोले हे बाबा, बोले भवो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अगहरम परम। बोले हे बाबा, बड़ी भाग्य से कोई संतों का दर्शन मिलता है। जब संतों का दर्शन मिले क्या समझो, जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो गया और संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। हैं, संसार में आना नहीं पड़ेगा। बड़े भाग्य से तो आप आए हो, आप फिर कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। इतने में नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो। बोले मेरे पहचान आप नहीं पहचानते हो। बोले लगता है कहीं तो आपको देखा है, लेकिन याद नहीं आता है कहाँ देखा। इतने में वो युवती कहती है, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमाव में तनयो मतो। कहते मेरे नाम है भक्ति, और ये जो दोनों जो पड़े हुए ना, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले बाबा, जगत का नियम होता है, जगत का क्या नियम है, नियम है माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवानी। लेकिन मेरे दुर्गति को देखो, माँ तो मैं तो जवानी, लेकिन मेरे जो बेटे दोनों बेटे हैं ना, ये वृद्ध हो गए हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, ये मेरी दुर्भाग्य है। बोले ऐसे कैसे हो गए। फिर उन्होंने कारण बताए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कोचित कोचित महाराष्ट्र गुर्जरे जिन्नताम गता। बल उत्पन्ना द्रविड़े साहम, माता है क्यों क्यों जा रहे हो, जल प्रसाद बन रहे हैं ना तुम लोगों के लिए, प्रसाद बाग रह जाना, पहला दिन उठने खड़े हो गए, बैठे कोई खड़े नहीं होना, चुपचाप बैठो, आधा घंटा में कथा विश्राम हो जाएगी, फिर प्रसाद पाग रह जाना, कोई बीच में खड़े नहीं होना, कथा को बीच में खड़े होना पाप लगता है, कोई खड़े नहीं होना, सब चुपचाप बैठो, आधा घंटा में कथा विश्राम हो जाएगी, चुपचाप बैठो। हरे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले ये द्रविड़े देश में मेरी जन्म हुई, वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में जा करके बड़ी हुई। बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहते ये महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं कहीं आदर मिली। लेकिन जब मैं गुजरात में पहुंची, गुजरात में पहुंचे ही मैं हो गई बूढ़ी हो गई। बोले ऐसे क्यों, कारण क्या। बोले कारण है, पहले गुजरात है ना बड़ा नास्तिक देश था, कोई भी कृष्ण कृष्ण राम राम कहीं नहीं, किसी घर में तुलसी पूजा नहीं, किसी घर में ठाकुर जी नहीं। अगर वहां पर कोई तिलक लगा कर पहुंच गए ना, बोले क्या हो गया बाबा, कोई बबुला टाटी कर दिया ना क्या। अगर गले में कोई कंठी पहने करके चले गए, बोले बाबा, बोलते थे क्या तुमने कोई पाप किया, ये गले में ये लकड़ी क्यों पहने हो। अगर कोई चोटीधारी हो जाए ना, बोले कोई एरिया ले ना क्या तुम्हारी, मतलब जब तक उसको देश से बढ़ना आया है, कोई अगर साधु संत अगर भूल से भी पहुंच गए, जब तक उनको देश से निकाल नहीं दे तब तक उसको नहीं छोड़ते। इतने नास्तिक था ये गुजरात। लेकिन अगर आप अभी देखोगे ना, अगर हमारी संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई भक्ति करने वाले आप देखोगे गुजरात लोग, और ज्यादा पैसा वाले भी देखो गुजरात में, ज्यादा पैसा वाले भी देखोगे और ज्यादा भक्ति करने वाले भी देखोगे गुजरात में। बोले कारण क्या, बोले कारण है वहां पर कुछ संत लोग का जन्म हो गया है। हैं, कहते वहां बल्लभाचार्य तुकाराम नरसिंह भक्त विठलाचार्य कुछ संत लोग वहां पर जन्म हुए। कहते अगर एक संत किसी राज्य में अगर एक संत अगर जन्म हो गए, उसको इतना पुण्य मानते हैं,
कहते संत जब हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जब इनका दृष्टि जितने दूर तक जाती है कहते सारे पाप नष्ट हो जाता है। जब वो नृत्य करते हैं उनका चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानते हैं। जहां पर एक संत कहीं अगर चल जाए, समझ रहे कि नहीं, इसलिए संतो जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हैं एक एक संत विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर लेते हैं, इतने शक्ति है संतों में। इसलिए जब वहां पर संतों लोग वहां पर जन्म हुए उनकी प्रभाव से वो देश क्या हुआ, वो देश पवित्र हो गया, देश पवित्र हो गया। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूँ, लेकिन मैं तो हो गई जवानी, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना ये हो गए वृंदा। बोले ऐसे क्यों, कारण किया, कहते जो वृंदावन जो धाम है ना वो राधा रानी का हृदय है, उनका नाम वृंदावन। वृंदा मतलब क्या, तुलसी। वन मतलब जहाँ तुलसी का वन हो, जिनके घर में तुलसी वन हो ना वही घर ही वृंदावन है। इसलिए मीरा एक भजन गाती है ना, बोले आली मोहे लागे वृंदावन अनेको, 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 हरे हरे तुलसी साधु सेवा, हरे हरे तुलसी साधु सेवा, हरे हरे तुलसी साधु तुलसी की पौधा हो, जिनके घर में ठाकुर जी को पूजा हो वही घर ही वृंदावन धाम है। बताओ किसको किसको घर में तुलसी है, हैं? और ठाकुर जी बस तुम्हारी घर ही वृंदावन, तुम्हारी घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए हर घर घर में भगवान की पूजा ठाकुर की सेवा और घर घर में होनी चाहिए। माता जी चुपचाप बैठो। हाँ इसलिए कहते लेकिन जब मैं वृंदावन धाम में आई हूँ मैं तो हो गई जवानी, लेकिन मेरे जो बच्चे दो थे ज्ञान और वैराग्य ये हो गए बूढ़े। बोले क्यों बूढ़े हो गए, कारण क्या है, कहते जो वृंदावन धाम ये रसभूमि है, ये वृंदावन धाम राधा जी की हृदय रसभूमि है, इसलिए ये ज्ञान वैराग्य को यहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुग की बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए वृंदावन धाम में कोई ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले नहीं है कोई, इसलिए ये ज्ञान वैराग्य हो गए वृद्धा। दूसरा बात है कहते भक्ति की दो बेटे हैं, कितने बेटे हैं, कौन कौन बोलो। हाँ ये चीज को समझो, कहते हैं शास्त्र में बताया ये ज्ञान और वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान और किसी चीज की भगवान देखते नहीं है। कहते दुर्जन की मेवा त्यागे साग, विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान क्या क्या दुर्जन की मेवा मिश्री को त्याग दिए और उन्होंने विदुर घर में साग भाजी खाई हैं? और श्री सबरी कहते झूठ बेर सबरी के खाए बहु विधि स्वाद बचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहते प्रेम के बस अर्जुन रथ हमको भूल गए ठाकुर आई सबसे ऊंची प्रेम। भगवान केवल प्रेम देखते हैं और कोई चीज को ठाकुर जी नहीं देखते हैं, केवल प्रेम ही ठाकुर जी देखते हैं, हैं? भगवान प्रेम से मिलते हैं, ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन कहते भैया ये ज्ञान वैराग्य जब ये भागवत कथा श्रवण किए दोनों जवानी हो गई,
अरे ये भक्ति के दो बेटे कैसे, ये चीज को समझो। यहाँ पर जो ज्ञान है तीन तरह का ज्ञान है, कहते हैं कि तत् पदार्थ ज्ञान और एक तम पदार्थ ज्ञान और एक जीव ब्रह्म ही एक ज्ञान, तीन ज्ञान है। लेकिन जीव कौन है, भगवान कौन है, जैसे हम कथा सुन रहे हैं भैया ये भी तो ज्ञान ही है, ये भी तो ज्ञान है। इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भैया ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना भगवान के प्रेम को भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान है। और एक ज्ञान है जो व्यक्ति चाहते भगवान को जो निराकार निर्विशेष ज्योति निर्लिप्त ऐसे समझते हैं और सोचते हैं लास्ट में अपना सत्ता को हम ब्रह्म में लीन कर देंगे, कहते ये जो ज्ञान है इसको द्वारा त्रिपुटी विनाशक भक्ति भक्त भगवान नष्ट हो जाते। इसलिए भगवान भक्त लोग कभी हैं भगवान ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते हैं, भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्त चाहते प्रभु आपकी चरण की हमें सेवा मिले, प्रभु आपकी चरण की हमें प्रेम की प्राप्ति हो। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान है ना ये आकर के बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसे और जो वैराग्य, भले भैया भगवान वैराग्य से नहीं मिलते हैं, भगवान वैराग्य से नहीं मिलते हैं, भगवान भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। हाँ वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग, वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक ठाकुर जी चरण में प्रेम, हमें अनुराग प्राप्त हो, तो मिलेगा कैसे भागवत से। इसलिए जब ज्ञान वैराग्य जब बूढ़े हो गए हैं और नारद जी बोले मैं तुम्हारी बच्चों को हम जवानी दिला देंगे, बोले मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ अगर मेरे दोनों बच्चों को जवानी बना दोगे तेरे हृदय को छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन नारद जी ज्ञान वैराग्य को उन्होंने वेद वेदांत उपनिषद सारे एक एक कर सुनाए, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जब गीता कान में सुनाए थोड़ी सी आंख तो खुले, लेकिन जब गीता खत्म हो गया ना धराम करके गिरे। नारद बोले ये गीता क्या है, हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ हमारी ग्रंथ है गीता है, जैसे मुसलमान को कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल मानते हैं, हमारे कौन सा धर्म है हिंदुओं का, कहती ये गीता है। क्यों, बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिर्सिता, ये ठाकुर जी के मुंह से निकली हुई वाणी ये भगवत गीता है, हैं ये गीता है। लेकिन ये गीता भी सुनाए तब भी इनको ज्ञान क्यों नहीं हुआ, सुने फिर धड़ांग कर गिर गए। बोले क्यों, बोले जो ये गीता है ना इसमें 18 अध्याय, पहला जो 6 अध्याय कर्म योग, बीच में जो 6 अध्याय ये भक्ति योग और लास्ट में जो 6 अध्याय ये ज्ञान योग है, इसमें भी कहीं ज्ञान और कहीं कर्म मिश्रा है, पूरा शुद्ध भक्ति नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोले आकाशवाणी हुई, नारद जब देखा ये भी इनको नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई ये बात आपको कोई साधु बताएंगे ये कैसे इनका जवानी होगी, तो उन्होंने सब जगह में जा जा करके सबसे प्रश्न किया, लेकिन इसका सही कोई उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन जब उन्होंने चतुसेन से मिले, बोले क्यों नारद जी आप क्या भूल गए हो, जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों को रचना कर चुके थे तब भी उनको शांति नहीं मिली, लेकिन आप ही तो जा करके बोले थे ये भागवत ग्रंथ बनाओ इसी सही परम शांति की प्राप्ति होगी, क्या भूल गए हो, भूल गए हो। बोले मेरे आगे प्रश्न है, बोले क्या प्रश्न है, बोले ये भागवत क्या है, बोले जो श्रीमद भागवत है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है वेद उपनिषद महाभारत समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है, कहते ये श्रीमद भागवत ग्रंथ है सारे ग्रंथ का। बोले सर्व वेद इतिहासानां सार सार समुद्रितम, सारे वेद इतिहास का ये सार सार ये भागवत। कहते तत्र साम्रतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित, अगर कोई एक बार भागवत श्रवण कर लिया तो उसका सब कुछ सुनना हो जाएगा, सब कुछ उसको सुनना हो गया और उसको किसी चीज का प्रतिरति नहीं होगी। बोले मैं तो सारे ग्रंथों को सुना चुका हूँ,
फिर इनको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? उनने दो उदाहरण दिया, ठीक से समझो। पहला उदाहरण दिया जैसे तुमको पूरी बनानी होगी, बोले भैया पूरी बनाने के लिए घी चाहिए, किसने 50 किलो दूध रख लिया, बोले लो, बोले भैया हमें पूरी बनाना, बोले इसमें तो घी, घी कहाँ से निकलता है? दूध से तो निकलता है ना। कोई अगर बोला वो पूरी बनाना, कोई अगर 50 किलो तुमको दूध दे देगा, क्या दूध से पूरी बनेगी? अरे बना सकते हो? नहीं बना सकती हो ना। यद्यपि सार ही दूध का सार ही घी है, लेकिन भैया घी में जो काम होगा ना पूरी, दूध में वो काम नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे आप आम का दशहरी चौसा आम खाए हो, सबके सब खाए कि नहीं? कितना मीठा बताओ, मीठा है कि नहीं? मीठा है। कोई बोलेगा क्यों? आम का सार ही तो फल है, हैं? इसलिए आम का पत्ता चिबाओ, नहीं तो उसका टहनिया को चिबाओ, क्या आम का स्वाद आएगी? नहीं आएगी। कहते ये फल में जो आनंद है, कहते भैया वो यद्यपि वृक्ष का रस ही ये फल है, लेकिन आम में जो स्वाद है वो स्वाद पेड़ में नहीं। कहते उसी तरह, कहते ये निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ क्या है, ये वेद का जो फल है ये भागवत, ये भागवत में जो आनंद है ना वो आनंद और कहीं भी नहीं। बोले इनको ये भागवत कथा सुनाओ, फिर कौन सुनाएगा? बोले आप ही सुनाओ। बोले कहाँ सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर कथा सुनाओ। अभी प्रश्न होता है, उन्होंने हरिद्वार में क्यों कथा रखी? फिर जो हरिद्वार है ना, ये हर का भी द्वार और हरि का भी द्वार, और हरिद्वार ऐसे के स्थान है, एक तरफ में उत्तरांचल है और एक तरफ में उत्तराखंड है। जो उत्तराखंड है, कहते ये जो उत्तराखंड है ये देवताओं का स्थान है, और जो उत्तर प्रदेश है इधर कौन रहते हैं? सब मानव। तुम लोग कहाँ के हो? कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश के। हाँ, एक तरफ में तुम उत्तराखंड के हो। हाँ, इसलिए कहते उत्तराखंड को देव स्थान मानी जाती है, हैं? पहले देवता लोग रहते थे और इधर रहते इंसान। जैसे घर की दहली में अगर दिया जलाओ ना, वो घर को भी प्रकाश करेगा, वो बाहर को भी प्रकाश करेगा। ऐसे एक स्थान पर कथा हो जिसका आनंद देवता भी ले सके और जिसका आनंद इंसान भी ले सके, ये बात चारों तरफ में फैल गया। चतुसर कहाँ कथा करेंगे? हरिद्वार के आनंद नाम घाट पर कथा करेंगे। लोग कहाँ से आए? ब्रह्म लोग से कथा आए, स्वर्ग लोग से ऋषि मुनि लोग आए, जितने नद नदी गया गंगा कुरुक्षेत्र अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया हैं, जितने सबके सब केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री साक्षात मूर्तिमान रूप लेकर कथा सुनने के लिए आए सबके सब। और जो नहीं आए ना, अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले तुम लोगों को सुनाओ चतुसन भागवत कथा सुनाए। बड़े भाग्य से करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से कहीं भगवान की कथा सुनने को मिलती। चलो सबके सब, सबका सब को लेकर के आए। जब वहां पर कथा प्रारंभ कर रहे थे, इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी खुश हो गए और वहीं से उन्होंने पारिजात की पुष्पों की बौछार की और उन्होंने धुंधु भी और उन्होंने वाद्य बजा करके भागवत की जयकार दी। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। कुछ लोग तो जय कुछ है कह रहे। देखो जो जितने जोर से जय देगा ना, ठाकुर को थोड़ी जय, जय तो हमारी है। जो जितने जोर से जय देगा उसको उतना ही पाप खत्म होएगा और उतना ही भक्ति जगेगी, उसकी जयकार होगा। इतने जोर से जय दो पूरा खोड़ा वासियों को बता चले कथा हो रही है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। अभी पता चल रहा है भैया खोड़ा वासियों में कितना दम है। हाँ, देखो इसका मतलब है, चीज को समझो। अगर जिस गांव में जिस स्थान पर ये भागवत कथा होना, ये देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोगों से वो भी पुष्प की बौछार करते हैं, वो भी जयकार देते हैं। क्यों? कारण क्या? बोले कारण है भागवत जैसे पुण्य जगत में कुछ भी नहीं, इससे बड़ा भक्ति जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। समझ रहे कि नहीं? इतने में भक्ति देवी भी आ गई अपना दोनों बच्चों को लेकर के। बोले भैया हमें भी तो कहीं स्थान दो।
इतने में चतुष्ण बोले एक काम करो, यहाँ पर जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं इनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। भक्ति देवी कौन है? ये साक्षात राधा रानी भक्ति देवी। इसका तात्पर्य जो व्यक्ति कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में श्री राधा रानी का निवास हो जाता है, राधा रानी उनके हृदय में बैठी जाते हैं। और राधा रानी कौन? भक्ति देवी है। बस आनंद ही आनंद, सबके सब वहां पर प्रसन्न हो गए। कथा श्रवण करते करते सबके सब वहां पर प्रसन्न हो गए। लेकिन वहां पर जब कथा यहाँ पर भागवत की महिमा को सुनाते हैं, बोले सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रये। तब जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं इसको हर समय कथा को सुननी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे सात दिन है, सात दिन कथा सुने उसको बाद में बस कथा खत्म, बोले नहीं, बोले सदा से व्याम सदा से व्याम ये भागवत कथा को रोज घर में, कल जिनकी घर में एक श्लोक पढ़ाई हो, एक नहीं आधी श्लोक, आधी नहीं एक चौथाई भी जिनकी घर में भी ये भागवत का श्लोक पढ़ा हुआ हो उसको घर में स्वयं बांके बिहारी श्री राधा रानी को साथ में निवास करते हैं, राधा रानी को साथ में निवास करते जिस घर में ये भागवत का श्लोक पढ़ाई हो। इतने महिमा जब उन्होंने ये कथा की, ये कथा के प्रभाव से स्वयं गोलोक वृंदावन से स्वयं राधा रानी को साथ में ठाकुर जी प्रकट हो गए। वहां पर नारद जी अर्जुन और श्री सुखदेव गोस्वामी सबके सब वहां पर प्रकट हो गए और वहां पर सबके सब कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन हो रहा था सुखदेव गोस्वामी तो जैसे जैसे कीर्तन हो रही थी उसी भाव का अनुरूप नृत्य कर रहे थे। वहां पर नारद जी बिना बजा रहे थे और श्री अर्जुन पखावज बजा रहे थे, उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे और सबके सब प्रसन्न होकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 कथा का तात्पर्य है, कथा का जो सार है एक दिन स्वयं राधा कृष्ण हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ज्ञान वैराग्य भी जवानी बन करके वो भी कृष्ण कीर्तन में ये भी नाच उठे। इसलिए मैं पहला कहां से शुरुआत किया था, जब ब्रह्मा आते हैं ब्रह्मानी को लेकर के, जब शंकर जी आते हैं किसको लेकर के, पार्वती को लेकर के, जब देवता आती है देवियों को लेकर के, मतलब क्या है सब देवियां आओ भी तुम्हारी देवता को भी कल लेकर के आना, ठीक है। हाँ देखो इसका तात्पर्य क्या है, ये चीज को समझो, इसका तात्पर्य है, यही इसका तात्पर्य है। जैसे सात दिन तक कथा श्रवण करके ना आप देखना सात दिन को बाद में आपके हृदय में इतने ज्ञान की प्रकट होगी, इतने वैराग्य होगी, आप देख लेना सात दिन को बाद में सबकी गले में तुलसी कटी देखने को मिलेगी, सभी की ललाट पर तिलक लगाते हुए देखोगे और सबका हाथ में माला की झोली देखोगे। क्यों कारण किया, कारण है ये भागवत में इतने महिमा, भागवत की इतने महिमा है, आपके हृदय में जो ज्ञान वैराग्य तो जग उठेगी, जग उठेगी ज्ञान वैराग्य। लेकिन जैसे तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, गले में कंठी अगर तिलक लगाओ तो भजन करेगा तो पति क्या बोलेगा, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई, बड़े लंबी लंबी तिलक लगाती हो। हाँ लंबी लंबी तिलक लगा दो, जब देखो बोलो वृंदावन चलो, हाँ कोई काम धाम नहीं, यही तो बोलेगी ना, बोलेगी कि नहीं,
अगर पति लोग आएंगे पति उनको भी ऊपर रंग चढ़ेगी, जब रंग चढ़ेगी वो क्या करेगी, भजन करना शुरू कर देगी, फिर पति पत्नी क्या बोलेगी, कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो हैं, कोई काम धाम नहीं। लेकिन अगर दोनों आओगे ना, गाड़ी दो पहिया में चलती है, एक पहिया में नहीं चलती है, अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे, दोनों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जगेगी, समय होगा तो क्या बोलेंगे, चलो हम दोनों वृंदावन चलते हैं, चलो दोनों सत्संग में सुनते हैं, बस बढ़िया से घर तुम्हारी बढ़िया से चलेगी। इसलिए जब देवता आती है देवियों को साथ में, देवियां देवताओं को साथ आती है, मुझे लगता है तुम्हारे देवताओं को आना बड़ा कठिन है, क्योंकि फिर काम कौन करेगा, वही तो कमाते है ना पैसा, तो वही लाते हैं, तभी तो तुम्हारी संसार चलता है। लेकिन आप लोग एक ही काम कर सकते हो, यहाँ से जो कथा सुन करके जाओगे थोड़ी बहुत याद करके जाना, और जाकर के पतियों को बच्चों को भी भगवान की कथा सुनाओ। जिस घर में बच्चे और पति सबके साथ भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृहे भजन देखे गृह गोलोक भाई, जिस घर में हरि का नाम कीर्तन हो वही वृंदावन, वही वृंदावन धाम बन जाएगी तुम्हारी घर में, ठीक है ना। हाँ तुम्हारे घर को देखो, स्त्री का हाथ में ना जो पलटा किसको हाथ में, अरे बोलो पलटा किसको हाथ में, स्त्री को हाथ में, जैसे घुमाएगी वैसे घूमती है, हैं। अगर घर का जो लक्ष्मी है ना, शक्ति स्त्रियों को मानी जाती है, गृह लक्ष्मी पत्नी को मानी जाती है। अगर घर का पत्नी सही हो जाएगी ना, फिर देखना पति अपने आप ही सही मार्ग पर चलेगा। आप रोटी नहीं बनाओगे तो कौन खिलाएगा। इसलिए आप लोग सही बन जाओ, फिर तुम्हारे घर भी बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो और थोड़ी सी सुन लो, ये जो कथा को कहते हैं, कहते भागवत का एक नाम है, कहते ये भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या कथा है? अमर कथा। कहते इसका नाम अमर कथा क्यों नाम पड़ा है? हाँ, और थोड़ी सी सुन लो फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका नाम अमर कथा क्यों कहते हैं? बोले कारण है, कहते ये शंकर जी पार्वती को ये अमरनाथ में ये कथा सुनाए थे, इसलिए इसका नाम है अमर कथा। बोले क्यों सुनाए थे, कारण क्या? बोले कारण है, एक समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे, इतने में घर में नारद जी आए। जब नारद जी आए, इतने में आप नारद जी का नाम, जगत में नारद जी का नाम बड़ा बदनाम है, हम कहते ना तो क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या है, अरे बोलो चुगली, झगड़ा लगाते हो, बोलते है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, नारद भगवान के सबसे प्यारे भगत है, इनके बगैर से रामायण भागवत देखो, इनकी मूल कारण यही है, मूल कारण यही है। इसलिए इतने में नारद जी आए, और माता पार्वती नारद जी को बड़ी उन्होंने स्वागत दी। नारद जी पूछे, माता जी सब कुशल मंगल है ना? बोले कुशल मंगल है। बोले कैसे कुशल मंगल है? बोले देखो, वही स्त्री सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। बोले कैसे प्रेम करते हैं? बोले कहीं से भी सत्संग सुन करके आते हैं, सबसे पहले मेरे को सुनाते हैं, हैं? इसलिए जितने पुराण देखोगे शंकर पार्वती का संवाद है। लेकिन नारद जी को भागवत ग्रंथ प्रकट करना था, इतने में नारद झगड़ा लगा दिए। बोले देखो पार्वती, आप तो कहते हो शंकर जी आपको बड़े प्रेम करते हैं, अगर छानबीन किया जाए ना कुछ खोट निकलेगा, उसमें कुछ खोट निकलेगा। जब उन्होंने इतना बोलने के लिए गए, इतने में पार्वती बोली, बाबा और आगे मत बढ़ा करो, हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, झगड़ा मत लगाया करो, हम बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, खोट फोड़ मत निकालो। बोले नहीं पार्वती, मैं सही बताता। बोले क्या सही बताते हो? बोले देखो, तुम्हें पता है शंकर जी का और भी कोई एक प्रेमिका, तुमको पता है शंकर जी और किसको भी प्रेम करते, तुम्हें पता? देखो ध्यान देकर सुनो, माताएं हर चीज को सहन कर सकती हैं, लेकिन उसको घर में कितना क्लेश परेशान, माताएं सहन कर लेती हैं, लेकिन माताओं को पता चले उसका पति अंदर अंदर में और किसी स्त्री को प्रेम कर रहा है, आप सहन कर सकते हो? अरे हाँ कि ना बोलो, नहीं कर सकते हो ना, आप तो ना घर का सारे दुखों कष्ट को सह लेगी, लेकिन ये चीज को कभी माताएं सहन नहीं कर सकती है। बोले क्या बोलते हो? बोले मैं सही बोल रहा हूँ। बोले इसका प्रमाण किया? बोले प्रमाण आज हो जाएगा। बोले कैसे कैसे हो जाएगा? बोले एक ही काम करना, जब शंकर जी आएंगे तुम मान भवन में चले जाओ,
जब शंकर जी उनको तीन बार कसम खिला करके एक प्रश्न करते ना, बोले क्या प्रश्न, उनको इतना पूछना उनकी गले में मुंड की माला किसकी है, देखना सारे रहस्य प्रकट हो जाएगी। इतना तो बोल करके नारद वहां से चले गए। इतने में जब शंकर जी घर में आए, देखा पार्वती तो मान भवन में लेटी हुई। शंकर जी मनाने के लिए गए, जब उसको पर हाथ रखे ना, इतने में पार्वती तो हाथ को फेंक दी। बोले क्या बात है, बोले पहले जब मैं सोच रही थी आप तो भोले बाबा, लेकिन मेरे को पता चला आप तो कपटी हो, आप तो बड़े कपटी, ऊपर एक अंदर भी एक। बोले कपटी मतलब क्या, तुम बताना क्या चाहती हो। बोले बताने क्या चाहती हो। बोले मैंने सुना है आपकी कोई दूसरा प्रेमिका है। बोले इसका प्रमाण बताओ, बताओ प्रमाण बताओ। बोले ये बताओ आपकी जो गले में ये मुंड की माला किसकी, सही सही बताओ, झूठ मत गा करो। शंकर जी बोले पार्वती तुम्हारी। बोले मेरी कैसे। बोले मेरे सर तक मेरे पास में आपकी हैं, कहते आपकी गले में कैसे आ गई। बोले पार्वती पूर्व जन्म की कथा तुम्हें याद नहीं, पूर्व जन्म में तुम सती थी। एक समय तेरे पिताजी कहते प्रयाग में कनखल प्रयाग में बहुत बड़े यज्ञ किया था, जिसमें सारे देवता लोग वहां पर आए हुए थे। लेकिन जब मैं भी ब्रह्मा भी थे, लेकिन जब मैं जब जिस समय प्रवेश किया दक्ष प्रजापति, सबके सब खड़े होकर के उनको स्वागत किया, केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। कौन कौन, एक ब्रह्मा जी और एक मैं। दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे देख रहा था कौन मेरे को स्वागत और कौन स्वागत नहीं कर रहे हैं। बोले पता, बोले ठीक है ब्रह्मा जी हमारे पिता लगते हैं, लेकिन ये जो शंकर जी ये तो मेरे दामाद है, और सबसे सुंदरी सबसे प्यारी मेरी बेटी इनको मैंने दिया सती को, लेकिन इसको तो मैं देना चाह नहीं रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने बेटी दी। अरे मैं तो पिता के बराबर ससुर मतलब पिताजी, अरे मैं प्रवेश किया थोड़ा खड़े होकर के इतना स्वागत नहीं किया। भरी सभा में शंकर जी को उन्होंने जब गाली गलौज किया, बंदर जैसे आंखे, भूत पिशाच को साथ में श्मशान में बैठा रहता है, देखो निर्लज भैया जैसे बैठा हुआ, मैं आया तो थोड़ी स्वागत में नहीं, इतने मेरे को गाली गलौज किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन शंकर अगर तीसरा नेत्र खोल देना दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं वहां से चला गया वहां से। फिर तभी उनको क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर कनखल में फिर यज्ञ करवाया, सारा दुनिया को बुलाया दामादों को, लेकिन केवल मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। अरे मेरी आदेश से तुमने, बिना आदेश से तुम गई थी, और देखा सबका भाग केवल मेरी भाग नहीं थी, और तुम वहीं पर क्रोधित होकर के तुमने अपना शरीर को त्याग दिया। इसलिए हे सती, एक जीवन नहीं कितने जन्म से तुम अपना शरीर को त्याग देती हो, चूंकि तुम मेरी बड़ी प्यारी हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तेरे सर को अपना गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी तो पता चला बहुत बड़ी कपटी आप निकले। बोले क्यों, बोले ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान किए हो, जब आप अमर बने गए मैं मरते जा रही। बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत की कथा की महिमा सुनो, जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बटी को पान किया, तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। बोले प्रभु ये कथा मेरे को भी सुना दो, मैं भी नहीं मरूंगी, आप भी नहीं मरोगे, मैं मरती जा रही हूँ, आप मर नहीं रहे हो और मैं मरती जा रही हूँ, मेरे को भी सुनाओ, दोनों अमर बनेंगे। बोले चलो मैं तेरे को अमरनाथ में लेकर के कथा सुनाता हूँ। बोले पार्वती हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कथा सुन रहे हो, मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। लेकिन कथा सुनाते सुनाते जब पार्वती सो जाती है, उसी समय वो वृक्ष के ऊपर में भी एक तोता बैठ करके कथा सुनता हुआ होता है। देखा माता जी सो गई, कथा मेरी भी अधूरी हो जाएगी, उन्होंने भी हुंकार भरते रहे, बड़ी प्यारी कथा, आगे की बात सुनाओ। उसको बाद में क्या हुआ, शंकर देव भोले बाबा सुनाते 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 जा रहे थे, कथा विश्राम हुई तो उन्होंने बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं तो सो गई थी। बोले सो कैसे गई थी, हम तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं प्रभु मैं सो गई थी, शंकर जी ने देखा ये अमर कथा,
अगर इसको कोई दुष्ट व्यक्ति अगर सुन लेगा ना, वो अमर बन जाएगा, दुनिया के लिए हानिकारक। सुना किसने? देखा तोता बैठ करके सुन रही। फिर उसको मारने के लिए शंकर पीछा किए, करते 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 फिर जब बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही कथा सुना रही थी। वहां भी वो श्रवण करते करते, जैसे हम कभी कभी सुनते ना, मुंह खोल करके वो ऐसे सुन रही थी। इतने में वो तोता जाकर के उनके मुंह में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, तोता कहाँ गायब हो गया? व्यास देव बोले, भोले बाबा कहाँ से आ रहे हो? शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। बोले, बड़ा अनर्थ हो गया। बोले, क्या हो गया? बोले, ये कि तोता ने कथा सुन ली। बोले, ये कथा किया? बोले, अमर कथा। बोले, सुनने से क्या होता है? बोले, अमर बन जाते हैं। बोले, आप ही सचमुच से भोले ही हो, सचमुच से भोले ही हो। आप कह रहे हो अमर कथा, जो सुनेगा अमर बनेगा। बताओ, तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले, सुन लिया। बोले, अमर हो गया कि नहीं? बोले, हो गया। बोले, तू मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे? शंकर जी बोले, मेरी याद ही नहीं था, मेरा तो याद नहीं था। इतने में शंकर जी, देखो ध्यान देकर सुनो, शंकर जी ध्यान लगाया, ये तोता कौन है? क्योंकि कहते बहु जन्म समर जितेना सत्संग च लभेत पुरुष जदा भई। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होने पर ये कथा में कोई बैठ सकता है, नहीं तो कथा में कोई नहीं बैठ सकते हैं। ये कथा सुनी कैसे? कौन है? जब उन्हें ध्यान लगाया, उन्हें सब कुछ देखा। बोले, क्या देखा? बोले, प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चो बनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। उन्होंने देखा ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में रहने वाले, जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके आनार की गाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम सुनाया करती थी। अब कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन करती थी, इसलिए उनको अधरा मृता, इनको चुंब थोट में लगा हुआ यही तोता, राधा कृष्ण की तोता। जैसे भगवान राम जगत से चले गए, हनुमान को रख करके गए जगत में राम भक्ति प्रचार करने के लिए, उसी तरह जब राधा कृष्ण गए, ये तोता को भी रख कर गए। क्यों? भविष्यत में ये भागवत कथा को प्रचार करने के लिए। वही तोता ही कथा सुन करके उन्होंने बिटका को गर्भ में प्रवेश करेगा, वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेकर के जगत में भागवत धर्म को प्रचार करके शंकर सब कुछ देख लिया। शंकर जी सब कुछ उन्होंने देख लिया, देख करके प्रसन्न हो गए। बोले, मेरी कथा सुनाना सार्थक कथा हो गया। देखो कथा को ध्यान से सुनो, शंकर स्वयं कहते हैं, ये कथा सुनकर मैं भी अमर बनी, जो जगत अम्बा जग जननी वो भी कथा सुनकर के अमर बने। अगर आप भी सुनोगे ना, जैसे परीक्षित महाराज क्यों अमर बने? क्योंकि ये कथा सुने। अगर आप भी कथा सुनोगे ना, आप भी अमर बन जाओगे, आप भी अमर बन जाओगे। जो जो सुने हैं ना, सबके सब अमर ही बने। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, सुत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि, देखो भागवत में सबकी कथा आती है। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी अमर बन जाओगे। ठीक है, बोला श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए कल कितने बजे आओगे बोलो? आओगे तो 2:30 बजे। अगर 2:30 बजे आओगे ना, हम ठीक टाइम पर हम कथा को विश्राम दे देंगे, फिर आप भी घर का सारे काम काज को कर सकते हो। इसलिए बैठ, क्यों खड़े हो? बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ, प्रभु जी भजन गाओ आज, चल गए। प्रभु जी भजन गा रहे, ठीक सब अकेले के खड़े, तुम भी बड़े खड़े हो गया, नाच लेना बड़े सुंदर। प्रभु जी भजन गा रहे, ये भजन अपने नाच नाचने वाले श्री राधा रानी देखो इसको बाद में ऊपर में प्रसाद है, बगैर प्रसाद कोई जान नहीं, ठीक है ना? सब प्रसाद लेके दी जाएगी। सदा
Thank you.
Oh,